शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषय संख्यावाची शब्द आज ये अंत कर रहा है, समाप्त हो रहा है संख्यावाची शब्द या आज संपन्न हो रहा है। अहम कृष्णानंद झा अस्मि वर्ग अष्टम कक्षायां, वर्ग एट के लिए अहम कृष्णानंद झा संख्यावाची। आज हम नव का बता रहे हैं, नव मतलब होता है नौ, नौ नौ या प्रथमा, प्रथमा में क्या हो जाएगा नव, द्वितीया में क्या होगा द्वितीया में हो जाएगा नव, तृतीया में क्या होगा तृतीया में हो जाएगा नव भी, चतुर्थी क्या होगा नवभ्य नवभ्य, पंचमी क्या होगा नवानाम, पंचमी नवभ्य, षष्ठी नवानाम नवानाम, सप्तमी नवसु, ये नौ का हो गया। प्रथमा में हो जाएगा नव, द्वितीया में नव, तृतीया में नव भी, चतुर्थी में नवभ्य, पंचमी नवभ्य, षष्ठी नवानाम, सप्तमी नवसु। प्रथमा नव, द्वितीया नव, तृतीया नव भी, चतुर्थी नवभ्य, पंचमी नवभ्य, षष्ठी नवानाम, सप्तमी नवसु। अब चलिए दस का, दस का प्रथमा, प्रथमा में क्या हो जाएगा दस, द्वितीया, द्वितीया में क्या हो जाएगा दस, तृतीया, तृतीया में क्या हो जाएगा दस भी, चतुर्थी क्या हो जाएगा चतुर्थी दस भ्य, पंचमी क्या हो जाएगा दस भ्य, षष्ठी क्या हो जाएगा दस भ्य, षष्ठी हो जाएगा दशानाम, दशा नाम, सप्तमी दस, प्रथमा दस, द्वितीया दस, तृतीया दस भी, चतुर्थी दस भ्य, पंचमी दस भ्य, षष्ठी दशानाम, सप्तमी दस। अतएव आज आपका यह संख्यावाची जो शब्द था यह संपन्न हो गया। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, हम आपको वो लेसन बता देंगे। आप हमारा मोबाइल नंबर भी ले लीजिए 7870972484। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। संख्यावाची शब्द आज हम आपको पूरा बता दिए हैं, एक बार पुनः बता देते हैं। प्रथमा में नव, द्वितीया नव, तृतीया नव भी, चतुर्थी नवभ्य, पंचमी नवभ्य, षष्ठी नवानाम, सप्तमी नवसु। दस का प्रथमा दस, द्वितीया दस, तृतीया दसवीं, चतुर्थी दस भ्य, पंचमी दस भ्य, षष्ठी दशानाम, सप्तमी दस। अतएव आज आपका यह संपन्न हो गया यह संख्यावाची शब्द। अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर आएंगे। धन्यवाद।